शांति। आज बाबा की 13 तारीख की वाणी को अभ्यास करते हुए अनुभव करेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम आत्माओं को घर की राह बताने। तुम अब आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज दिखने में आएगी। आत्माभिमानी होकर रहो, अभ्यास करेंगे। इस देह रूपी मंदिर में मस्तक के मध्य में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति, दिव्य सितारा, आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी परमात्मा की संतान हूँ। परमधाम मुझ आत्मा का घर है। शिव बाबा मेरा पिता है। बाबा कहते हैं कि संगम पर बाबा ने अमरनाथ कथा सुनाकर अमर आत्मा का ज्ञान दे हम बच्चों को मोहजीत बनाया। बाबा कहते हैं, अभी आपको ये ज्ञान मिला है, ये अविनाशी ड्रामा है। एक एक आत्मा रूपी एक्टर शरीर द्वारा अपना पार्ट बजाती है। इस ज्ञान से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। बाबा कहते हैं, सतयुग में आत्मा खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेती अपने सम्मान में स्थित होंगे। बाबा का ये ज्ञान, अमरनाथ बाबा का ये ज्ञान पाकर मैं आत्मा मोहजीत बन जाती हूँ। इस शरीर में बैठी मैं चेतन आत्मा अमर शक्ति हूँ। सतयुग में मैं आत्मा खुशी से एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा नया लेती मैं मोहजीत आत्मा अभिमानी हूँ। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो तुमको राह बहुत सहज दिखने में आएगी। अभी बाबा ने समझाया है, बेहद का बाबा एक ही है। बेहद का बाबा तुमको रास्ता बता रहे हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का
गति सदगति का। बाबा कहता मुक्ति कहा जाता है शांति धाम घर को। बाबा कहते अब आत्मा तो शरीर के बगैर कुछ बोल नहीं सकती ना, मुख नहीं हो तो आवाज कहाँ से आए। बाबा कहते हैं सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग, भारतवासी स्वर्गवासी थे। बाबा कहते हैं अभी फिर से स्वर्ग में जाना है। बेहद का बाबा बच्चों को बैठ समझाते, सच्चा सच्चा सत्य का संग यही है। तुम यहाँ पर सत्य बाप को याद करती हो ना, वही ऊँचे से ऊँचे भगवान है। बाबा कहता है बाप है रचयिता, उनसे वर्षा मिलता है। बेहद का बाप संगम पर अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं जब सत्युग था तो इनका राज्य था, एक धर्म एक राज्य था, उसको कहा ही जाता है नई दुनिया स्वर्ग सुख धाम। अनुभव करेंगे नई दुनिया को अपनी सत्युगी राजधानी को, सत्यु प्रधान दुनिया, निर्विकारी दुनिया, सुख धाम, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता स्वरूप को। डबल अहिंसक स्वरूप को। बाबा कहता है बेहद का बाप आए हैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। बाबा कहते तुम बच्चे देवता धर्म के थे ना, तुम पूज्य देवता थे। बाबा कहता बाप बेहद का बाबा एक ही है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी देवी देवता तो अनेक हैं ना। बाप कहते उनसे वर्षा नहीं मिलता, एक है निराकार बाप। बाबा कहता है तो उन बाबा से निराकार बाप से बेहद का वर्षा अब तुमको मिलता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे बाप द्वारा
सुख का, शांति का रास्ता जानते हो, सर्व के शांति का, सर्व के सुख का दाता एक ही बाप है। बाबा कहते सत्युग में सुख भी है तो शांति भी है। तुम जानते हो शांति धाम घर में, सुख धाम राजधानी में ले जाने वाला एक ही बेहद का बाप है। हम बाबा को कहते बाबा अब हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही बाबा हम वर्षा लेंगे। तो बाबा कहता बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल एक बाबा को याद करना है, आत्मा को यहाँ पर ही पवित्र बनना है। बाबा कहता याद की मेहनत करो। बेहद का बाबा आत्माओं को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाबा से बच्चों को मिलता। रूह अर्थात निराकार, शिव बाबा भी निराकार है। बाबा कहते तुम आत्मा भी बिंदु हो, बहुत छोटी हो, आत्मा को कोई देख न सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि दाता बाप है ना। बाप कहते हैं जो बहुत भक्ति करते तो बाबा उनको साक्षात्कार कराते, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं। बाबा कहते पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़ी सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, तुम भी ऐसा बनो। सचमुच कृष्ण से झूलो, उनके साथ रहो, इसका मदार है पढ़ाई पर। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे, परमपिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्ण की आत्मा ने ये पद पाया। तुम आत्मा भी देवता धर्म में थी, श्री कृष्ण के घराने में थी। बाबा कहते ये बातें अब बेहद का बाबा आकर समझाते। तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। बाबा कहते हैं तो बाप बच्चों को संगम युग पर ऐसा देवता बनाते। अगर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा कहते तुम बच्चे हो मुख वंशावली,
अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियाँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधती हो तो विकार छोड़ना पड़े। बाबा कहते हैं ये है बेहद का बाइस्कोप, जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते वहाँ भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ ये है बेहद का बाइस्कोप। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया मूल वतन घर है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन ये है साकार वतन, खेल सारा यहाँ चलता है, चक्र फिरता रहता। तुम ब्राह्मण बच्चे तुमको ही सबदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे हैं पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं भक्ति में शिव लिंग होगा, शिव का लिंग सिर्फ नाम अलग अलग रखते हैं। मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपए खर्च करते, उत्पत्ति करते, पालना करते, फिर जाकर डुबोते, कितना खर्चा करते। तो बाबा कहते मिलता कुछ नहीं, सब पैसे बर्बाद करते, कंगाल बन पड़े। अब बेहद का बाप आए हैं तो सबकी चढ़ती कला होती, सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते। तो बाबा का मददगार बनना माना अब आबाद होना। बाबा कहते हैं बाबा तुमको कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी के थे ना, अब तुमको फिर से नर से नारायण बनने की शिक्षा बाबा देते। बाबा कहते तिजोरी की कथा तो यही है ना, जिससे आत्मा का ज्ञान नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। अभी हम बाबा से अमर कथा सुनते हैं, अमर बाबा हमको कथा सुनाते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। बाबा कहते हैं सत्युग में तुम हो मोह जीत, खुशी से पुराना शरीर छोड़ जा नया लेते। बाप कहते बना बनाया ड्रामा है, एक एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। बाबा कहता कि सत्युग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं ना, कोई
आश नहीं होती, क्योंकि बाबा संगम पर सबको संतुष्ट कर देते, तुम श्रीमत पर पदमपति बन जाते। बाबा कहता, सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते, तो ऐसे बाप को तो याद भी करना चाहिए ना। बाबा की याद से तुम आत्माएं सत्प्रधान पवित्र बन जाएंगी, ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं, भगवान बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको समझाते। सदैव पवित्र रहना है, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं, जितना समझेंगे समझाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने व्रत रखना सिखाया पवित्रता का। बाबा आज वरदान में कहते हैं, वरदान को अभ्यास करते हुए अनुभव की स्टेज में स्थित हो जाएंगे। इस शरीर में मस्तक पर अपने बिंदु रूप में एकाग्र हो जाएंगे कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, मस्तक में बैठी हूँ, मैं आत्मा बीती बातों को, चलने वाली अलग अलग परिस्थितियों के चिंतन को, भविष्य की चिंता से मुक्त सर्व बातों को बिंदु लगाए बिंदु रूप की स्टेज पर स्थित प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो, शक्तिशाली समर्थ स्थिति में स्थित प्रकृति पति आत्मा हूँ। कोई भी पेपर, कोई भी हलचल उस आत्मा पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं आत्मा शक्तिशाली प्रकृति पति आत्मा हूँ। सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त, सर्व परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त शक्तिशाली स्थिति में स्थित समेटने की शक्ति में संपन्न। अभी साकारी स्वरूप में सेकंड में आकारी फरिश्ता स्वरूप में सेकंड में निराकार परमधाम निवासी बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने की अभ्यासी आत्मा हूँ।
साकार वतन में कर्म योगी फरिश्ता बन, कर्म करने वाली न्यारी और समर्थ स्थिति में स्थित मैं प्रकृति पति आत्मा हूँ। साकार नेत्रों द्वारा देखते हुए ना देखने वाले, कानों द्वारा सुनते ना सुनने वाले, बाप द्वारा मिले तीसरे आत्मिक अलौकिक नेत्र को यूज करने वाले, सर्व व्यर्थ संकल्पों से मुक्त समर्थ स्टेज पर स्थित रहने वाले प्रकृति पति आत्मा हूँ। सर्वप्रति नेचुरल शुभ भावना संपन्न, शुभ कामना संपन्न, सर्व का सहज रीति स्नेह सहयोग प्राप्त कर सदैव निर्विघ्न सेवाधारी बन सेवा करने वाली बाबा के मददगार आत्मा, बाबा की इस ईश्वरीय मिशन में तन मन धन सफल कर सॉल्वेंट पद्मा पद्म पति मोहजीत बनने वाले निर्विघ्न राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा की श्रीमत पर चल सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले, सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रकृति पति आत्मा हूँ। पूरा दिन इस श्रेष्ठ ईश्वरीय वरदान के अनुभव करने के लिए इस सम्मान में स्थित रहेंगे। मैं आत्मा प्रकृति पति हूँ। सर्व बातों के व्यर्थ चिंतन से मुक्त समर्थ स्थिति में स्थित रहने वाली प्रकृति पति